एनजीओ खोलने का ख्याल इस वजह से आया कि हम अपने ही घर में सराउंडिंग में लोगों को देखते थे, इनको ज़रूरत होती थी, उनकी हेल्प कर दिया करते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। तो ये हर इंसान के अंदर होता है कि वो चैरिटी करे, वो सदका करे, खैरात करे। दीन इस्लाम ने भी हमें इस चीज़ का हुक्म दिया है। तो बस करते करते ही जहन में एक ख्याल सा आया कि क्यों ना हम इसको बड़े लेवल पर लेकर जाएँ। अपने हम ख्याल लोगों से जब इस चीज़ का जिक्र किया तो उन्होंने साथ दिया और हम सब ने मिलकर एक टीम बनाई और फिर हमने उसको रजिस्टर्ड कराया इदारे को और हमने कहा कि हम इसको बड़े लेवल पे लेके चलते हैं। तो बस यही ख्याल आते ही हम लोग निकल पड़े लोगों की फलाह के लिए। जो हाउसवाइफ हैं उनके लिए मेरा यही पैगाम है, मैं ये उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सबसे पहले तो अपने घर को और बच्चों को देखें और उसके बाद अगर थोड़ा सा भी वक्त मिलता है तो अपने सराउंडिंग में देख लें कि किन लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग आपके पड़ोस में भी ऐसे होते हैं, आपके मोहल्ले में ऐसे होते हैं जिनको आपकी ज़रूरत होती है। अगर आप फाइनेंशियली नहीं कर सकते तो आप उन्हें मॉरली सपोर्ट करें, आप उन्हें अपने लफ्ज़ों से उनके दुखों के ऊपर मरहम रखें, उनकी ज़रूरियात किस तरह से उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं आप उनको उसमें मदद करें। क्योंकि जब तक आप किसी से बातचीत नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन मसले का बहुत बड़ा हल होता है। तो आप किसी की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम अपनी कम्युनिकेशन के ज़रिए हल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वक्त निकालें, अपने आसपास के लोगों को अपनी जो भी सर्विसेज दे सकते हैं, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे मॉरल हो, वो सर्विसेज ज़रूर दें ताकि अगला बंदा आपसे कुछ ना कुछ हासिल कर सके। क्योंकि आप जब तक किसी को कुछ देते हैं, एक इंसान को दुनिया में भेजा इसलिए गया है ताकि दूसरे बंदे उससे मुस्तफीद हो सकें, तो आपको आपके होने का मकसद मिल जाएगा इस तरह से, अगर आपने किसी दूसरे बंदे की हेल्प की। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। जैसे कि शेर सो उस्मान की टीम आज हाजिर हुई एक नई वीडियो के साथ। आज हम मौजूद हैं जॉइनिंग हैंड्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की हेड फाउंडर एंड सीईओ सबीन मैम सबी मैम के पास हम मौजूद हैं। तो आइए चलिए इसे गुफ्तगू करते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र मैम। अच्छा मैम, आप ये बताएं, आप ये सबसे पहले ये बताएं अपने एनजीओ के बारे में, ज़रा हमारे चैनलों को फॉलोअर्स को ज़रा बता दीजिए आप। जॉइनिंग हैंड्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक फलाही तंजीम है और आज से तकरीबन 6 साल पहले हमने इसका क़याम किया। अपने हम ख्याल लोगों को साथ मिलाकर हमने जॉइनिंग हैंड्स इसका नाम रखा ताकि लोगों के हाथ से हाथ मिलाकर उनकी परेशानियों में उनके साथ उनका साथ दे सकें और उनको इम्पावर कर सकें। तो इस सिलसिले में हम मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम किए हैं। हमने हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इन्वायरमेंट, ह्यूमन राइट्स, लीगल एड और अब शेल्टर की तरफ जाने का प्रोग्राम है। इंशाल्लाह अगर आप सबका तावन रहा, आप सबका साथ रहा, तो हम आगे इस सेक्टर को भी कवर करेंगे। अच्छा मुतरमा, ये बताएं आपको एनजीओ खोलने का कैसे ख्याल आया? एनजीओ खोलने का ख्याल इस वजह से आया कि हम अपने ही घर में सराउंडिंग में लोगों को देखते थे, इनको ज़रूरत होती थी, उनकी हेल्प कर दिया करते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। तो ये हर इंसान के अंदर होता है कि वो चैरिटी करे, वो सदका करे, खैरात करे। दीन इस्लाम ने भी हमें इस चीज़ का हुक्म दिया है। तो बस करते करते ही जहन में एक ख्याल सा आया कि क्यों ना हम इसको बड़े लेवल पर लेकर जाएँ। अपने हम ख्याल लोगों से जब इस चीज़ का जिक्र किया तो उन्होंने साथ दिया और हम सब ने मिलकर एक टीम बनाई और फिर हमने उसको रजिस्टर्ड कराया इदारे को और हमने कहा कि हम इसको बड़े लेवल पे लेके चलते हैं। तो बस यही ख्याल आते ही हम लोग निकल पड़े लोगों की फलाह के लिए। ठीक माशाल्लाह। अच्छा, एक औरत के साथ साथ होने वो अब तो एक माशाल्लाह एक लेडीज़ हैं, तो आपको घर को ही वक्त देना होता होगा, एनजीओ को भी, फिर आप किस तरह टाइम निकालती है एनजीओ के लिए? देखिए, एनजीओ के लिए टाइम नहीं निकालना पड़ता है। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया ना कि ये एक आपके अंदर का एक ऐसा मामला होता है जिससे आप सेटिस्फेक्शन चाह रहे होते हैं। तो जब इंसान दिन भर के काम करके थक जाता है घर की जिम्मेदारियों से, बच्चों से, तो फिर वो कहता है कि कुछ वक्त अपने लिए सही। तो अपने लिए वक्त जब इंसान निकालता है, एनजीओ में जाता है, लोगों की मदद करता है, तो फिर दिली सुकून पाता है और सुकून की नींद सो सकता है। तो मैं समझती हूँ कि जो टाइम थोड़ा सा अगर आप अपने लिए निकालना चाहते हैं तो वो लोगों के लिए निकालें ताकि उनकी खिदमत करें, तो आपको दिली सुकून मुयसर हो सके। ठीक ठीक, ज़बरदस्त। आपके एनजीओ के बारे में काफ़ी हमने सुना है मैम, जो ख़वातीन जो घर पे बैठी हुई हैं, हाउस जो मतलब हाउस वाइफ हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी आप?
जो हाउसवाइफ हैं उनके लिए मेरा यही पैगाम है, मैं ये उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सबसे पहले तो अपने घर को और बच्चों को देखें, और उसके बाद अगर थोड़ा सा भी वक्त मिलता है तो अपने सराउंडिंग में देख लें कि किन लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आपके पड़ोस में भी ऐसे होते हैं, आपके मोहल्ले में ऐसे होते हैं जिनको आपकी ज़रूरत होती है। अगर आप फाइनेंशियली नहीं कर सकते तो आप उन्हें मॉरली सपोर्ट करें, आप उन्हें अपने लफ्ज़ों से उनके दुखों के ऊपर मरहम रखें, उनकी ज़रूरियात किस तरह से उनके उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं आप उनको उसमें मदद करें, क्योंकि जब तक आप किसी से बातचीत नहीं करेंगे कम्युनिकेशन मसले का बहुत बड़ा हल होता है। तो आप किसी की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम अपनी कम्युनिकेशन के ज़रिए हल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वक्त निकालें, अपने आसपास के लोगों को अपनी जो भी सर्विसेज दे सकते हैं, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे मॉरल हो, वो सर्विसेज ज़रूर दें ताकि अगला बंदा आपसे कुछ ना कुछ हासिल कर सके, क्योंकि आप जब तक किसी को कुछ देते हैं, एक इंसान को दुनिया में भेजा इसलिए गया है ताकि दूसरे बंदे उससे मुस्तफीद हो सकें, तो आपको आपके होने का मकसद मिल जाएगा इस तरह से अगर आपने किसी दूसरे बंदे की हेल्प की। तो मैं घरेलू ख्वातीन से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी ज़िंदगी में अपने होने का मकसद जो है उसको हासिल करें और किसी न किसी के काम ज़रूर आएँ। ठीक ठीक। अच्छा मैम ये बताएं, आप लोगों के मसले हल करती हैं तो आपको किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है? मुश्किलात से तब गुजरना पड़ता है जब किसी का मसला हम हल करने की तरफ जाएं और सामने वाला बंदा कोऑपरेट ना करे। देखिए जब भी किसी का कोई भी इशू होता है तो वो तभी हल हो सकता है जब आप आपस में जो मसला आ रहा है उस मसले को सही तरह समझें। दो लोगों के बीच का जो डिस्प्यूट है उसको हल करने के लिए उन दोनों का एग्री होना ज़रूरी है कि वो उस मसले के हल की तरफ जाना चाह रहे हैं या नहीं। अगर हमने अपने बीच में सर्विसेज दी और वो दो लोग ही अपने मौक़फ़ पर डटे रहे तो फिर हमें प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम उस मसले को किस तरह से हल करें। तो इसलिए मैं लोगों से हमेशा यही बात करती हूँ कि जब भी कोई मसला हमारे पास आता है तो मैं उनसे पहले कहती हूँ कि क्या आप इस चीज़ के लिए एग्री हैं, आप हमें रिटर्न में दें, हम उनसे रिटर्न में एप्लीकेशन लेते हैं और फिर उसके बाद उस मसले के हल की तरफ जाते हैं ताकि हम खुद भी परेशानी से बच सकें। ठीक। मुल्क में जो ख़वातीन से मुतालिक जो मसाइल जो दरपेश आते हैं आप उन पे क्या अपना क्या राय देने देंगी आप? थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि किस तरह के मसले मसाइल की बात? जैसे कि घरेलू तशद्दुद होता है, इस तरह के आप आए दिन केस देखती हैं छोटे छोटे बच्चों की बच्चियों के साथ जो होते हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगी, क्या इस पे क्या होना चाहिए, इस पे आप क्या रहना चाहिए? घरेलू ख्वातीन की तरफ जो तशद्दुद की आपने बात की है तो बिल्कुल ये वायलेंस आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अच्छा उसमें भी ये है कि जो हस्बैंड वाइफ का जो झगड़ा होता है आजकल जो मेन चीज़ है वो मोबाइल है, मोबाइल की वजह से मसाइल होते रहते हैं, किसी का मैसेज आ गया। देखिए इसमें सबसे बड़ी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। जब तक आप लोग बैठ कर बातचीत नहीं करेंगे, अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे तब तक आपका कोई भी मसला हल नहीं होगा। और इस तरह से तलाकों के रेशो भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है एक मर्द घर से बाहर होता है सारा दिन, जब वो काम करता है, जब वो घर पर आता है और बीवी उसके ऊपर शक करती है तो फिर वो अपने आपे से हट के वो मारधार शुरू कर देता है और वो चीज़ें जो है वो वायलेंस की तरफ होती जा रही हैं। तो इसके लिए इन दोनों को समझना चाहिए, हमें जो जो माशरे में जो इस वक्त हालात चल रहे हैं हम सब इससे मुतासर हैं, हर हर घर का बंदा इससे मुतासर है। तो दो लोगों को अपने बीच का कोई भी डिस्प्यूट है उससे बचने के लिए या इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए आपस में टॉलरेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अदम बर्दाश्त जो होता है ना वो मामला को ख़राब करता है, तो बर्दाश्त करने की और आपस में बातचीत करके इस मसले को हल करने की ज़रूरत है। जहाँ पर मर्द गुस्से वाला है वहाँ पर औरत को खामोश हो जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि उसे जुल्म बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन वो उस वक्त खामोश होकर उस मामले को हल कर सकती है, क्योंकि वो मामला जब बाद में वो देखे कि उसका मूड अच्छा है तो उस मामले को उठाया जा सकता है। तो हमारे यहाँ जो इस तरह के वाक़यात और मामलात होते हैं तो उसमें जहाँ पर मर्द का मसला है कि वो मारता पीटता है, तो वहाँ पर हमारी औरतों का भी बहुत बड़ा मसला है कि वो इन चीज़ों को समझ नहीं रही होती हैं और वो ज़बानदराज़ी करती हैं और बात हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। और दूसरा इशू आपने मुझसे कहा हरासमेंट के हवाले से, बिल्कुल उसमें भी मैं बहुत बड़ा किरदार अपने मीडिया का समझूंगी, क्योंकि आजकल आपको पता है मोबाइल फ़ोन हर बच्चे के हाथ में है, तो बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह की चीज़ें बढ़ गई हैं कि जो बच्चों के सामने नहीं आनी चाहिए। तो उस तरह के जब इशूज़ बच्चे देखते हैं, हमारी यूथ देखती है, तो जाहिर सी बात है कि उनके दिमाग जो है वो बिल्कुल नेगेटिविटी
एक्टिविटी की तरफ जाते हैं। तो इसलिए पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, उनको किसी ना किसी क्लास में, कंप्यूटर क्लास में, किसी को अगर बच्चियाँ हैं तो कुकिंग क्लास में, या मेहंदी या जो भी है एक्स वाई जेड, इस तरह की किसी ना किसी स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर में डालें, ताकि हमारे बच्चे पॉजिटिविटी की तरफ जाएं और वो स्किल्स सीखें, ताकि वो चीज़ें उनको बाद में काम भी आएंगी। और एक कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो वो उस चीज़ से भी बच सकेंगे। ठीक। अच्छा मैम, ये बताएं कि एक तो आप माशाल्लाह मैंने देखे आप काफ़ी एजुकेशन पे, एनवायरनमेंट पे और बेन बुनियाद एजुकेशन और हेल्थ का जो मसला है कराची, ख़ासतौर पे कराची के अंदर हेल्थ का बहुत इशू चल रहा है, तो इस पे आप क्या समझती हैं कि ये हमारी जो गवर्नमेंट है इनकी नाकामी है? क्योंकि कराची में आप देखें, आपको ख़ुद पता है कि क्या सिचुएशन चल रही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो इसके बारे में आप गवर्नमेंट को आप क्या राय देना चाहेंगी? गवर्नमेंट से तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, मैं तो हर आने वाली गवर्नमेंट से यही उम्मीद भी रखती हूँ और मैं उनको यही रिक्वेस्ट भी कर सकती हूँ कि भई आप अपने इदारों को जो है वो बेहतर बनाएं। क्योंकि आप देखें ना, गवर्नमेंट स्कूलें बहुत बड़े बड़े रकबे पे फैली हुई हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों का जो मयार है वो तालीम छोड़कर जो है, एक पेरेंट चाहता है कि वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में, चाहे हैवी फीस ही क्यों ना देनी पड़े, वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में दाखिल करें। इस तरह से गवर्नमेंट हमारी हॉस्पिटलों का हाल है, यही हाल है कि वहाँ पर इलाज तो फ्री है, लेकिन वो ऐसा है कि वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने इदारों को बेहतर बनाए, ताकि आवाम को जो है वो सहूलियत तो फराहम की जा सकें। मतलब हमारी आवाम महंगाई की चक्की में दिन ब दिन पिसती जा रही है और उसे कोई फैसिलिटी नहीं है। आप देखें, पाकिस्तान उन ममालिक में से होता जा रहा है कि जहाँ पर हर वक्त जो है वो कोई ना कोई क्राइम हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसी वजह से हो रहा है कि लोगों को तालीम की सहूलियत नहीं मिल रही, लोगों को सेहत की सहूलियत नहीं मिल रही, महंगाई बेइंतहा बढ़ती जा रही है, तो लोग क्या करेंगे? क्राइम बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, तो क्राइम की भी रोकथाम इससे होगी। और अगर ये इदारों को हमारी गवर्नमेंट बेहतर बनाती है, ये सूरत हाल जो एजुकेशन की है, जो हेल्थ की है, तो इससे बहुत ज़्यादा जो है हेल्प मिलेगी कि हम हमारी आवाम को क्राइसिस से निकाल सकें, क्राइम से निकाल सकें और उनको एक बेहतर पाकिस्तान दे सकें। तो मेरी यही गवर्नमेंट से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इन इदारों को, इनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं, ताकि हमारी आवाम इससे मुस्तफीद हो सके। ठीक। अच्छा मैम, ज़्यादा आप एक पैसे ये बताएं कि आपका जो ये जो आपकी जो NGO है ऑल अराउंड पूरे पाकिस्तान में, और कितने आपके साथ वर्कर आपके साथ ये जो काम कर रहे हैं इस तंजीम में, और जो आप क्या समझती हैं जो NGO आजकल जो रोज़ाना हम देख रहे हैं कि NGO बढ़ती जा रही है, बनती जा रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय दीजिए और ज़्यादा से हमारे फॉलोअर्स को पैगाम भी दीजिए। देखिए, जो हमारे यहाँ NGOs बढ़ती जा रही हैं, तो उसका भी अभी थोड़ी देर पहले जो हमने बात की कि हमारे इदारे जो हैं, गवर्नमेंटल जो इदारे हैं, उनका बिल्कुल भी रिस्पांस अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से महंगाई का रेशो बढ़ता जा रहा है, लोगों की ज़रूरियात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, और वो सब कवर अप करने के लिए लोग जो है वो हमारे यहाँ की आवाम भीख मांगने पर मजबूर हो गई है। लोग अपनी ज़रूरियात किस तरह से पूरी करें? तो दिन ब दिन NGO का दायरा वसी होता जा रहा है, और ये एक तश्वीशनाक बात है। तो NGOs को बढ़ने या फलाही इदारों को बढ़ने से बेहतर है कि गवर्नमेंट इस मामला को बेहतरी की तरफ लेकर आए। और दूसरा ही कि मैं अपने आपके फॉलोअर्स से और तमाम देखने वालों से, सुनने वालों से ये गुजारिश करूँगी कि वो ये देखें कि कौन सी NGO है जो अवेयरनेस पे काम कर रही है, कौन उस मसले को जड़ से ख़त्म करना चाह रहा है, ना कि सिर्फ जो है वो लोगों को खाना दे दिया, मुफ्त रोटी दे दी, मुफ्त राशन दे दिया, तो आप तो अपने लोगों को जो है वो फ़कीर बना रहे हैं, मज़ीद आप उनको जो है गुर्बत की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि आप उनको स्किल्स नहीं सिखा रहे। तो आप ऐसे लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो आएं, ऐसे इदारों की तरफ आएं और उनको अपने फंड्स भी दें और उनके साथ सपोर्ट भी करें, ताकि ऐसे लोग जो काम करना चाह रहे हैं, जो इस तरह के स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोलना चाह रहे हैं जिससे लोगों को सहूलियात दी जा सकें, उनको एम्पावर किया जा सके, तो ऐसे लोगों की तरफ आए, ना कि जो भीख मांगने वाले जो है बना रहे हैं लोगों को और सिर्फ ज़कात खैरात सदका खिला रहे हैं। तो आप सबसे मेरी ये गुजारिश है कि जॉइनिंग हैंड्स का भी साथ दें, क्योंकि हम अवेयरनेस पर काम कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि लोगों को उनके घरों में जाकर स्किल सिखाएं, और जो नीडी पीपल्स हैं उनको भी ये बताएं कि भाई ज़रूरत एक हद तक होती है। मतलब आपको जब मिल रहा है ना, तो सिर्फ वो हासिल करने का नाम नहीं है, हासिल करने के तरीके भी आपको आने चाहिए।
ठीक है ना, ताकि आपकी जो यूथ है वो भी आगे बढ़े और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उस टैलेंट को ग्रूम करने की बहुत ज़रूरत है। हमारे यहाँ की जो यूथ है उसको अवेयर करने की ज़रूरत है, ताकि वो अपनी सीखें और जो है अपनी जितनी भी सलाहियतें हैं उनको बरौई कार लाकर मुल्क का नाम रोशन करें। तो आए हमारा साथ दें और पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू मैम। जैसे कि आपने सबीन मेमन साहिबा का इंटरव्यू सुना, आपने ये जॉइनिंग हैंड्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की CEO हैं, फाउंडर हैं, तो मैं भी आवाम से ये अपील करूँगा कि आप भी देखें कि आजकल तो, और मैं गवर्नमेंट्स के भी बोलूँगा कि जितनी आए रोज़ बढ़ती जा रही है NGO, इस पर क्या हमारी गवर्नमेंट चेक एंड बैलेंस करती है? NGO किसने बनाई है, किसके नाम पे है? चेक एंड बैलेंस लास्ट भी एक चीज़ का होना चाहिए कि कल कोई बड़ी तशवीश ना आए कि आए दिन रोज़ाना NGO खुलती जा रही है, इस पर चेक एंड बैलेंस हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए। और मैं भी अपने फॉलोअर्स से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जॉइनिंग हेड्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इनके सपोर्ट बने, इनको सपोर्ट करें। आप भी कतरे कतरे दरिया बनते हैं, आप इनको भी सपोर्ट करें। सभी मेहमान बहुत अच्छा काम करें, इनके NGO बहुत अच्छा काम करिए, आप इनको सपोर्ट कीजिए। फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, कैमरा मैन अब्दुल रहमान के साथ। शेर्स ऑफ उस्मान को टीम को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।